गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राजीव, आरएस टेक्नोलॉजी हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज बात करेंगे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। जैसा कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने होम टैब के बारे में, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ा था, जाना था, इस तरीके से हम लोग आज नेक्स्ट टैब यानी कि इंसर्ट टैब के बारे में हम लोग सीखेंगे, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप की फॉर्मेटिंग होती है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया इंसर्ट टैब के अंतर्गत पेजेस ग्रुप्स में कवर पेजेस, डेट मीन्स जैसे हम लोग कोई भी पेज कोई भी फाइल्स वगैरह बनाते हैं, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, उसके अंदर का जो कवर पेज होता है किस टाइप का होना चाहिए। तो इस तरीके से देखिए डिफरेंट टाइप के इसमें स्टाइल्स दिए हुए थे, उसके कवर पेज का बाई डिफॉल्ट बना हुआ सिस्टम जिसमें से हम कोई भी चूज़ कर सकते हैं अपने साइज़ को, अपने डॉक्यूमेंट को सजाने के लिए उसकी कवर पेज के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है ब्लैंक पेज, यानी कि जैसे ये फर्स्ट पेज है, इसके बाद अगर मुझे दूसरा ब्लैंक पेज कोई चाहिए नेक्स्ट, तो उसके लिए हम लोग ब्लैंक पेज ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट ऑप्शन मिल रहा है हमको पेज ब्रेक, यानी कि मान लीजिए हम लोग यहाँ पे कुछ वर्क कर रहे हैं, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे आरएस, इसके बाद से अगर हम चाहते हैं कि नेक्स्ट पेज पे यानी कि पेज को ब्रेक करके हम नेक्स्ट पेज पे जाएं, तो हम इजीली पेज ब्रेक पे क्लिक करते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे, और इसके बाद से देखिए नेक्स्ट पेज पे सीधे सेकंड पेज पे कर्सर चला जाएगा। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है टेबल्स ग्रुप के अंतर्गत टेबल, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि टेबल्स को डिज़ाइन करते हैं। जैसा कि मान लीजिए आप लोग किसी भी टाइप का रिजल्ट या फिर कुछ टेबल से रिलेटेड कुछ वर्क करना है, तो हम लोग टेबल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं टेबल पर हम लोग जैसे जाएंगे तो टेबल में कुछ देखिए बाई डिफॉल्ट टेबल्स बने हुए दिए हुए हैं, जैसे कि हम लोग अपने अकॉर्डिंग कितने रोज और सेल्स चाहिए यानी कि कॉलम चाहिए उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड ऐसे सेलेक्ट होगा और इसके अंतर्गत हम लोग जो भी चीज़ें टाइप करना चाहें, जैसे मान लीजिए इसमें हम लोग नेम टाइप करना चाहते हैं तो नेम टाइप किया, टैब बटन से हम लोग नेक्स्ट उसके सेल में जाएंगे, और फिर इसमें जो भी हम लोग इसे मोबाइल नंबर या फिर जो भी चीज़ें टाइप करनी, इस तरीके से हम लोग टाइप कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा देखिए हम लोग तो टेबल इंसर्ट करने के और सारे तरीके हैं, जैसे कि इसमें देखिए ये ड्रॉ टेबल का ऑप्शन है जिसके हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। एंड इंसर्ट टेबल में आ जाके नंबर ऑफ़ कॉलम एंड नंबर ऑफ़ रॉ टाइप करके हम लोग इसके अकॉर्डिंग भी जितनी रॉ चाहिए कॉलम चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम लोग टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं दोस्तों। एक और इंपॉर्टेंट बात है, जैसे हम लोग टेबल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक टेबल टूल्स नाम से डिज़ाइन और लेआउट दो ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, दो टैब्स ओपन हो जाएंगे जिसके अंदर टेबल की डिज़ाइनिंग की जाती है। जैसे हम लोग डिज़ाइन पर जाते हैं तो डिज़ाइन पर जाने में देखिए ये डिफरेंट टाइप्स की टेबल डिज़ाइनिंग दी रही है, इसके अंदर हम लोग टेबल की डिज़ाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे इंसर्ट टैब में पिक्चर्स, जैसे कि दोस्तों अगर हम चाहते हैं कि इस अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई पिक्चर्स इंसर्ट करना, तो इस पिक्चर बटन पे क्लिक करके हम इजीली से कोई भी पिक्चर हम अपने सिस्टम के अंदर से कोई भी पिक्चर हो, जैसे मान लीजिए देखता हूँ पिक्चर्स के अंदर देखिए ये कुछ पिक्चर्स दिख रहे हैं जैसा कि फ्लावर्स का, इसे इंसर्ट करके हम लोग देखिए इस तरीके से हम लोग पिक्चर को ला सकते हैं और इसके कॉर्नर पे क्लिक करके और इसके देखिए साइज़ को हम लोग रिसाइज़ कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट में अपने फाइल में सेव कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें देखिए इंसर्ट टैब के अंतर्गत हमें मिल जाएगा क्लिप आर्ट, जो कि सिस्टम के अंदर डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट कुछ पिक्चर्स दिए होते हैं जैसे इस टाइप के कार्टून टाइप का, इनमें से चाहे हम लोग किसी को भी तो इंसर्ट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिल जाएगा इसके अंदर शेप्स, यानी अगर मान लीजिए किसी टाइप का भी इसमें देखिए डिफरेंट टाइप के शेप्स दिए हुए हैं, उसको हम लोग अगर बनाना चाहें तो अपने डॉक्यूमेंट में अपने फाइल में शेप्स को बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे सर्किल बनाना है तो सर्किल सेलेक्ट करके इसे ड्रॉ कर सकते हैं एंड इसमें फिल भी कर सकते हैं, जैसे डिफरेंट टाइप के कलर्स वगैरह फिल कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑप्शंस की, जिसमें हमें मिल जाएगा स्मार्ट आर्ट की, अगर हम चाहते हैं कि स्मार्ट आर्ट कुछ बनाना पहले से ही, तो उसमें हम लोग देखिए पेज ब्रेक करके सेकंड पेज पे जाते हैं और ये जानते हैं स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे और देखिए इसमें बहुत सारे स्मार्ट आर्ट बने हुए, इसमें से अपने आवश्यकता अनुसार किसी को भी सेलेक्ट करके ओके करेंगे और देखिए हमारे यहाँ पे स्मार्ट आर्ट बन जाएगा। इसमें टेक्स्ट की जगह पर क्लिक करके जो भी हम टाइप करना चाहें उस तरीके से टाइप करके हम अपने स्मार्ट आर्ट बना सकते हैं। इंसर्ट टैब में नेक्स्ट ऑप्शन हमारा मिल जाएगा चार्ट का, जैसे कि हम लोग चार्ट के थ्रू या फिर ग्राफ के थ्रू हम लोग किसी भी चीज़ को सॉल्व करना है तो हम लोग चार्ट को क्लिक करके चार्ट बना सकते हैं। जैसे ओके करेंगे तो एक एक्सेल का बुक ओपन हो जाएगा और एक्सेल की हेल्प से हम लोग उसमें डाटा को फिट करेंगे, जैसे सीरीज़ 1 2 दिया, इसमें जो भी हमें डाटा फिट करना फिट करेंगे और उसके बाद एक्सेल को हम लोग क्लोज कर देंगे। एक्सेल क्लोज होते ही हमारी जो ग्राफ होगी बन के रेडी हो जाएगी और इसमें हम लोग ईजी से ग्राफ वाइज किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा ये देखिए चार्ट के जस्ट बाद ऑप्शन मिलेगा हमारा हाइपरलिंक का, जो कि ये दिख रहा है। हाइपरलिंक से क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी हमारी फाइल चाहे वर्ड की हो या फिर एक्सेल की हो या पावर पॉइंट की हो, चाहे हमारी नोटपैड की ही क्यों ना हो, अगर उसकी लिंक बनाना है तो हम लोग हाइपरलिंक की हेल्प से यहीं पे लिंक बना सकते हैं। लिंक पे गए और जैसे देख लीजिए आरएस टेक्नोलॉजी नाम की कोई एक पहले से फाइल बनी हुई है, उसे मैंने ओके किया तो देखिए उसका ये लिंक यहाँ पर आ गया। अब इस फाइल को ओपन करनी है तो मुझे नॉर्मली से बस कंट्रोल बटन प्रेस करना है, ऐसे कंट्रोल बटन प्रेस करके और कंट्रोल बटन प्रेस किए माउस पीस पर ले जाना है और डबल क्लिक करते ही यस करेंगे और हमारी वो पहली वाली फाइल आरएस टेक्नोलॉजी की ओपन हो जाएगी। इस तरीके से हम लोग किसी भी फाइल को किसी भी तरीके से हम लोग उसे इंसर्ट कर सकते हैं हाइपरलिंक के थ्रू उनकी लिंक डाल के। नेक्स्ट ऑप्शन में मिल जाएगा हेडर एंड फुटर की, दोस्तों अगर मान लीजिए हम कुछ हेडिंग्स में जैसे टाइटल वगैरह कुछ हेडर लिखना है तो हेडर क्लिक करके देखिए डिफरेंट टाइप के हेडर्स दिए हुए हैं, इनमें से कोई भी अपने पसंद से हेडर चूज करके और हमें अपने पेज के फर्स्ट में ऊपर में हेडर के तौर पर लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग कुछ भी टाइप करेंगे और हेडर हो जाएगा।
इसके अलावा दोस्तों बात कर लें हम नेक्स्ट ऑप्शन की फुटर भी, तो सेम वैसे ही फुटर भी होता है, जैसे फुटर पे क्लिक किया मैंने और देखिए डिफरेंट टाइप के फुटर के डिफरेंट टाइप के बने बनाए दिख जाएंगे। इसमें से कोई भी हम लोग अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे और फुटर में भी पेज के फर्स्ट पे शो करेगा, जैसे कि हम लोग टाइटल वगैरह शो करता है। नेक्स्ट ऑप्शन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो पेज नंबरिंग का। देखिए दोस्तों पेज नंबरिंग यानी पेजों पर अगर नंबरिंग करनी है तो हम पेज नंबरिंग का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पेज नंबर दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे टॉप ऑफ पेज या बॉटम ऑफ पेज जो भी अपना सेलेक्ट करेंगे और जो भी हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए हमारे फर्स्ट पेज पे या फिर सेकंड पेज पे जो भी पेज की नंबरिंग है, पेज नंबर 2, पेज नंबर 1 ऐसे टाइप करके हर एक पेज पर लिख देगा, यानी पेज की नंबरिंग हो जाएगी। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन हमें मिल जाएगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है, जैसे टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन। जैसे डबल क्लिक किया मैंने, पेज एक्टिव हो गया। आप देखिए हम इसके बाद नेक्स्ट पेज पे पेज ब्रेक करके जा रहे हैं और फिर यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे जैसे टेक्स्ट बॉक्स को। देखिए बने बने कई सारे टेक्स्ट बॉक्स होते हैं, इसमें से कोई भी सेलेक्ट करेंगे हम लोग और देखिए यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा जिसके अंदर हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की, तो इसमें देखिए यहाँ पे वर्ल्ड आर्ट आ जाता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। वर्ल्ड आर्ट जिसमें कि मान लीजिए किसी भी टेक्स्ट को लिखना है बहुत सारे स्टाइल्स में, तो देखिए बहुत सारे बने बने स्टाइल दिए हुए हैं जिसमें क्लिक करके हम लोग कुछ भी, जैसे मान लीजिए मुझे लिखना है आर एस, तो मैंने आर एस लिख लिया, कैपिटल में लिख लेते हैं आर एस और इसे कुछ अच्छे स्टाइल इसमें चेंज करना है। ओके करते ही देखिए हमारा ये आर एस कितने अच्छे स्टाइल में लिख दिया। इस तरीके से बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन, जैसे कि यहाँ पर मिल गया वर्ल्ड आर्ट। नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिल जाएगा जैसे कि दोस्तों देख लीजिए इंसर्ट टैब में सिग्नेचर के बाद से ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है दोस्तों, बाहर से किसी भी फाइल को हमें इंसर्ट करानी हो जो कि वर्ल्ड में बनी हुई है इसी एक ही फाइल के अंदर, तो हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद से हम लोग क्लिक करेंगे और नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर जैसे ऑब्जेक्ट के अंदर देखिए ये आ जाएगा कौन से ऑब्जेक्ट क्लिक करना है। जैसे कि इसके कॉर्नर पर क्लिक करेंगे हम लोग, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पे क्लिक करेंगे और डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए पहले से कोई फाइल बनी है इसे सेम फाइल में इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट करके हम लोग इसे सेम फाइल में इंसर्ट कर सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा डेट एंड टाइम का, जो कि हमें मिल जाएगा यहाँ पे, और डेट एंड टाइम जो भी फॉर्मेट चाहिए उसे क्लिक करके ओके कर देंगे, हमारा डेट एंड टाइम फॉर्मेट आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमें दिख जाएगा दोस्तों इक्वेशन का, जैसे मान लीजिए पहले से कुछ मुझे इक्वेशन चाहिए जो कि देखिए बने बनाए इक्वेशन है, इसमें से सेलेक्ट करना है और बस वैल्यू को चेंज करके अपने अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू चाहिए, मान लीजिए यहाँ पे 3 चाहिए तो 3-2 कर दिया और मैं अपने वैल्यू को इंसर्ट करके जो भी हमें चाहिए इक्वेशन बना सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट एंड फाइनल काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है सिंबल। दोस्तों बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो कि हमारे कीबोर्ड्स में नहीं होते हैं, बहुत सारे ऐसे कीज़ होती हैं, सिंबल्स होती हैं जो कि हमारे ऑप्शन कीबोर्ड में नहीं होती हैं, तो हम लोग सिंबल्स की हेल्प से जैसे मोर सिंबल कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की देखिए इस सिम्बल्स दिख रहे हैं, हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट क्लिक करते ही हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा। अगर आपने हमारी एमएस वर्ड की फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, जाके वहाँ से देख लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।